उनका लोग इकट्ठा होकर उसका स्वागत कर रहे हैं। तो सभी को बता दें कि शहीद आशीष चौहान अपने पैतृक गांव पहुंच चुका है और यहां पर आपको बताएं कि मौसम पूरी तरह से ख़राब है, बारिश बहुत तेज हो रही है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग भी उसके गांव पहुँचे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जो रिपार क्षेत्र का शहीद आशीष है वो आज अपने पैतृक गांव पहुंच चुका है। अभी अभी उनका पार्थिव शरीर भरली गांव पहुंचा है। हर कोई इस समय नम है, सबकी आंखें रो रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान भी आज आप देखें आसमान भी रो रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि देश पर एक नौजवान ने अपनी जान लुटाई है। तो ऐसे में जहाँ हर इंसान रो रहा है वहाँ आसमान भी जमकर रो रहा है। आप देख रहे हैं कि बारिश भी हो रही है और ये देखिए भारी संख्या में यहाँ लोग सुबह से ही उसका इंतजार कर रहे थे। ये पोल, ये पोल आ रहा ना बीच में, इसका देख लेते हैं। जगह ही ऐसी है ना यहाँ, बिल्कुल।
ऐसे को रखूंगा इधर को बस, ऐसे घुमा दूंगा बस बस। तो लगातार इस समय हम आपको ये तस्वीर पांवटा साहिब के आंजवो क्षेत्र के भरली गांव से दिखा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भरली गांव का आशीष चौहान शहीद हुआ है। आज उसका पैतृक गांव में उसका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। हर कोई यहां पर उसके स्वागत के लिए खड़ा था और सबकी आंखें नम हैं। यहां तक कि आप कह सकते हैं जिस हिसाब से बाहर बारिश हो रही है कि आसमान भी आज उसकी याद में रोया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यहां पर परिजनों का रो रो का बुरा हाल है परिजनों का। Thank you.
तो आप ये देख रहे हैं कि पौंटा साहिब के गिरिबाज क्षेत्र भरली पंचायत का भरली गांव आज शहीद के पहुंचने पर पूरा गांव और पूरा क्षेत्र गमगीन है। 25 वर्षीय जवान ने शहादत पाई है और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा है। मौसम खराब है, बावजूद इसके लोग यहाँ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाहर आप देखें तो मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लगातार देर रात से पूरे इलाके में बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश अभी भी पूरे क्षेत्र में हो रही है, लेकिन फिर भी भारी संख्या में लोग शहीद का स्वागत करने के लिए, उसके अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले आशीष चौहान ने शहादत प्राप्त की है, आज उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचा है, जहां भरली में भारी संख्या में लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्षेत्र के हर जगह से यहां पर लोग पहुंचे हैं, भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मौसम खराब है, लेकिन फिर भी लोग यहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लगातार ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको पौंडा साहिब के भरली से दिखा रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि इस खबर को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ये अंतिम दर्शन दिख सके जो यहां नहीं पहुंच पाए हैं। अशोक चौहान शहादत को नमन। Thank you.
पैतृक गांव पहुंचा सिरमौर के पौंटा साहिब का शहीद आशीष चौहान। लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से आज हर एक आंख नम हुई है। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं।
लगातार ये तस्वीरें इस समय हम आपको क्वाटा साहिब के भरली गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर आज भरली गांव का शहीद आशीष अपने पैतृक गांव पहुंचा है। सुबह से ही लोग उसके इंतजार में खड़े थे। मौसम बेहद खराब है, लेकिन बावजूद इसके भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं और अंतिम विदाई में हर किसी की आंखें नम है। आपने मौका दिया है।